घुगुस येथील बहिरम बाबा देवस्थानाजवळ असलेल्या हरिराम गोधरा ट्रान्सपोर्ट कंपनीकडून परप्रांतीय ट्रक चालकांचे शोषण केले जात आहे. परप्रांतीय ट्रक चालकांना 24,000 रुपये महिना देण्यात येईल असे सांगून एचआरजी ट्रान्सपोर्ट कंपनीने घुगुस येथे कामासाठी बोलविले, परंतु त्यांना इथे आल्यावर 22,000 रुपये महिना देण्यात येत आहे. मागील काही महिन्यापासून परप्रांतीय ट्रक चालक एचआरजी ट्रान्सपोर्ट कंपनीत काम करीत आहे. मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सेन है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ. मैं यहाँ अभी 4 महीने से ड्यूटी कर रहा हूँ. जो अपनी कंपनी की स्थिति देखते हुए और अपने को यहाँ खाना पीना की सुविधा अच्छी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, और दूसरी बात की ड्यूटी के लिए सोर्स किया जाता है. ड्यूटी सोर्स किया है 45 किलोमीटर रनिंग है, ठीक है, 10 किलोमीटर का जो उभर खाबड़ गड्ढा है. हम लोग गाड़ी लेके चलते हैं तो हम लोग जानते हैं किस हाल में चलते हैं. हम लोग 2 ट्रिप मार के देते हैं, उसको सोर्स रहता है कि ट्रिप दीजिए. गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं होती बराबर, इसमें ड्राइवर क्या करेगा, ठीक है. और दूसरी बात की जो पहले बोला गया था सैलरी जो भी है, तो हमको यहाँ 22,000-23,000 सैलरी आती है. 12 घंटा है, 12 घंटा कंपनी करवा रही है, जाम लगने कारण 16 घंटा हो जाता है. अच्छा. सोलह घंटा हो जाता है, छूटने का कोई समय नहीं है, टाइम मिले छूट जाते हैं. यही सब समस्या है हमारे पास. दिवाली बोनस कोई बोनस नहीं था, एक मिठाई भी नहीं मिला बोनस की, तो बहुत दूर थी.